उपायुक्त ने कहा है, झिमरवट गांव के मदरसे में उन्होंने उलमाओं और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों से ज्यादा कोरोना डोज लगवाने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा है, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त ने यह भी कहा है, अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिलेगी। न केवल चालान काटा जाएगा, बल्कि अगर किसी संस्थान में कोविड-19 का पालन नहीं किया तो 5,000 रुपये का चालान तक भी किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा है कि लघु सचिवालय के अलावा बस इत्यादि सरकारी दफ्तरों में संस्थानों में अब कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाए बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है, सोमवार को लघु सचिवालय नुई में प्रवेश करते समय न केवल स्वयं ने मुख्य द्वार पर खड़े कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाया, बल्कि जिले के अन्य तमाम अधिकारियों ने भी कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाकर अपने कार्यालय में प्रवेश किया। आम लोगों को भी अब किसी सार्वजनिक स्थान, बस इत्यादि में कोई एंट्री नहीं मिलेगी जब तक उसके पास कोरोना की दोनों डोज का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा। लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी का योगदान जरूरी है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने पीडब्ल्यूडी, आईटीआई, एसडीएम मनीषा शर्मा पुनहाना, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग सहित तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिला कोविड केयर सेंटर में जल्द से जल्द पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि यहां रहने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी कहा है, मेवात जिले में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा, यह तेजी से फैलता है। आने वाले दिनों में केसों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोरोना से सावधानी से ही जंग जीती जा सकती है। लिहाजा नए वेरियंट को लेकर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। फील्ड में आज निकला था, बेसिकली मैं, एक तो हमारे जितने अस्पताल वगैरह हैं उनमें जो व्यवस्था है ऑक्सीजन की, बेड की, आईसीयू की, उसको चेक किया है। और उस तरफ से मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सुकून का विषय है, रिलीफ मिलता है कि हाँ, हमारे यहाँ पे अब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो गई है। लेकिन जिस ढंग से ओमिक्रॉन या तीसरी लहर के केसेस बढ़ रहे हैं, आज सुबह ही आप सब लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी बात की थी VC के ज़रिए, जो इलाके के सभी दीनी मुखिया हैं उन सब से बात की थी। तो अब कोशिश यही है कि एक तो जिसको सेकेंड डोज नहीं लगी है वो ज़रूर लगवा लें। सेकेंड डोज के लिए भी हम वैसे ही फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। अगर कोई किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकता है तो हम टीम को घर तक भेज देंगे। लेकिन दोनों डोज वैक्सीन के लगने के बाद ही कुछ बचाव की सूरत बनती है। दूसरा मेरा मकसद यहाँ आने का, मौलाना मोहम्मद इलाज साहब के पास आने का मकसद ये भी था कि इन्होंने फिर से पहल करते हुए, जैसे पहली बार डोज़ के लिए इन्होंने मदरसे के सब बच्चों को जो एलिजिबल थे उनको वैक्सीन लगाया था, तो दूसरी डोज भी इन्होंने जो जो ड्यू थे उसको भी उन्होंने लगवाया है। और ये बहुत अच्छी पहल है, इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ इनका, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और इस तरह से हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है आज से शुरू हो गया है। तो आप सब के माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो एलिजिबल हैं अपनी पहली डोज तुरंत लगवा लें, ताकि दूसरी डोज के लिए 28 दिन के बाद वो तैयार हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का खास तौर पे पालन करें, क्योंकि जिस ढंग से ओमिक्रॉन या थर्ड वेव बढ़ रही है, इसमें जो डबलिंग रेट है वो 1 से 1.5 दिन का ही है सिर्फ। तो अगर इसको हम कोई इंडिकेशन माने तो शायद हफ्ते में हम काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन सुकून की बात ये भी है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है वो अगर बीमार होते हैं तो घर पे ही दवाई लेकर के ठीक हो सकते हैं। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। और दुआ भी करूँगा कि हमारे इलाके के लोगों को इस तरह की कोई आफत ना आए और लोग तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। मैं अब जितने बुजुर्गों और नंबरदार साहिबान भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है, और आपके माध्यम से जो भी इलाके के अगुवा हैं उन सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर कम ही निकलें तो बेहतर होगा। पब्लिक प्लेसेस पे, रोडवेज में, ऑटो रिक्शा तक में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो व्यक्ति ड्यूली वैक्सीनेटेड है केवल उसी को अंदर जाने की इजाज़त होगी। इनफैक्ट आज मैं खुद जब सेक्रेटरीट गया था तो हमारे वॉलंटियर्स ने मेरा ही सर्टिफिकेट मांग लिया कि सर्टिफिकेट दिखाओ अपना। अच्छी बात है, मुझे खुशी है। और आगे जो लोग आ रहे हैं उनसे भी ये जांच की जा रही है, सबसे पूछा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को जिसने वैक्सीन लगवा लिया है और उसको सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, SDM से, या जो डॉक्टर हैं PHC के, उनसे संपर्क करें, वो उसको डाउनलोड करा करके देंगे। सर्टिफिकेट को ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी आपने प्रिंट करके रखना है। प्रिंटिंग के लिए कोई भी पैसे ज़ाया ना करें।
आपके फ़ोन में डाउनलोडेड है वो भी चलेगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है नॉर्मल फ़ोन है तो जो कोविन पोर्टल से मैसेज आता है कि आपको वैक्सीन लग गया है वो मैसेज दिखाना भी काफ़ी होगा बताने के लिए कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया है। लेकिन हर हालत में वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द पूरा करें, बार बार हाथों को धोएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, ठीक है जी। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के सहयोग से हम वैक्सीनेशन पूरा करके सब लोगों को महफूज रख पाएंगे।